अस्सलाम दोस्तों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों आज सिडनी से मेलबर्न की ड्राइव है और गाड़ी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ले ली है। आप लोग को दिखाता हूँ गाड़ी भी और कुछ और चीज़ें भी दिखाता हूँ। दोस्तों ये जो गाड़ी ली है अल्हम्दुलिल्लाह मर्सिडीज़ की GLC 250, ये इसका स्पोर्ट्स मॉडल है और अंदर से आप लोगों को दिखाता हूँ, थोड़ा सा आपका आइडिया होगा। बेज इंटीरियर है और 9-speed ऑटो पैनारोमिक सनरूफ है इसके साथ। बहुत ज़बरदस्त ड्राइव है, वेरी वेरी कंफर्टेबल। और पीछे से भी दिखाता हूँ मैं आपको। वन ऑफ द रीज़न सिडनी आने का यही था कि जी यहाँ पे गाड़ी मैंने कहा यहाँ से ले लूँगा, एक ख़रीदनी थी, तो पीछे से भी दिखाता हूँ। तो यहाँ से मैंने कहा लेके चलते हैं। अभी तकरीबन 10 घंटे की यहाँ से ड्राइव है, 9 to 10 hours। और रात में भी बहुत अच्छी होती है, इसके अंदर एम्बियंस वगैरह बहुत अच्छी है। तो चलते हैं, आपको एक जगह सुबह सनराइज़ देखा था, वो भी मैं इसके बाद आपको वीडियो में ऐड कर देता हूँ, वो देखिएगा। बाकी आपको रास्ते में कुछ इन्फॉर्मेशन देता हूँ। दोस्तों पहला स्टॉप है ये, सनराइज़ देखने आया हूँ। ब्रॉन्टी बीच इस जगह का नाम है। आया हुआ तो मैं तकरीबन 5:30 बजे से हूँ, बट वो अंधेरा था तो आई थॉट अभी आपको दिखाता हूँ। ये सनराइज़ कितनी बड़ी खूबसूरत बीच है, मैं आपको अराउंड जाके दिखाता हूँ। देखें इस तरह इन्होंने ये पब्लिक पूल्स बनाए हुए हैं, एंड लुक एट हाउ अमेजिंग जा रहे हैं उनको, समंदर के सामने। सुबह सुबह लोग आ जाते हैं, यूज़ करते हैं और फ्री है ये सारा। ये जो दोस्तों व्यू है ना डिफरेंट बीचेस से, ये ब्रॉन्टे से भी ऐसा है, बॉन्डाई वो बिल्कुल उस साइड पर है, और मैनली में भी इस तरह के व्यू बहुत खूबसूरत लगता है। सिडनी डेफिनेटली विज़िट के लिए बहुत एक अच्छी जगह है। आप लोग ऑस्ट्रेलिया आए तो डेफिनेटली इधर आएंगे। देखें जी सनराइज़ भी हो गया, तो आई थॉट आपको दिखाता हूँ। अब बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा है सन। चलें यहाँ पे थोड़ा सा भी इस पर स्विम करने का मूड हो रहा है, ये करते हैं और फिर आगे चलते हैं, आपको दिखाता हूँ शॉप से। दोस्तों फाइनली मेलबर्न पहुँच चुका हूँ। सॉरी रास्ते में ज़्यादा अपडेट नहीं दे सका। तकरीबन 14 and a half hours लग गए। और उसकी वजह मेन ये है कि मैंने कुछ स्टॉप्स करे। सबसे पहले आपको दिखाया था जो सनराइज़ के लिए स्टॉप किया था। अमूमन आप 8 to 9 घंटे में पहुंच सकते हैं अगर आप स्ट्रेट ड्राइव करें। उसके बाद फिर एक यास में रुका था एक दोस्त की तरफ और लंच के लिए, और फिर उसके बाद ऑलबरी वुडोंगा में रुका था। ये कुछ स्टॉप्स हैं जो आप कर सकते हैं। अलॉन्ग द वे आपको बहुत सारे रेस्ट प्लेसेस भी मिल जाते हैं यहाँ पे, तो अगर आप फटीग फील कर रहे हैं कुछ, यू नो स्लीपी फील करें, तो मेक श्योर कि आप रुकें। वॉशरूम्स वगैरह सब कुछ होता है। बहुत अच्छा रहा सफ़र, अल्हम्दुलिल्लाह पहुँच गया हूँ। तो फिर मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में, आपको कुछ मेलबर्न की भी अपडेट्स देता हूँ। अपना ख्याल रखिएगा।